गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर एम एस अली फ्रॉम सारण बिहार। आज मैं एक छोटी सी वीडियो ले आया हूं जिसमें आप डब्ल्यू एच वर्ड्स को दो बार देखोगे। आपने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, आपने बहुत सारे डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस देखे होंगे कि तुम क्या करते हो, वह कहाँ रहती है, तुम लोग कहाँ अंग्रेजी पढ़ते हो, वे लोग कैसे आते हैं, तुम लोग कैसे स्कूल जाते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में, आज के जो सेंटेंसेज हैं उनमें ये सभी के सभी वर्ड्स दो दो बार आए हुए हैं, यानी क्या क्या, कब कब, क्यों क्यों, कैसे कैसे, किसे किसे। इस प्रकार के जब वर्ड्स आपको मिलते हैं सेंटेंसेस में ना, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, आप थोड़े से परेशान हो जाते हो कि यार हमने तो पढ़ा था तुम क्या करते हो, पर इधर तो है तुम क्या क्या करते हो, है ना। हमने तो पढ़ा था कि वह कहाँ रहती है, और फिर हम अभी पढ़ रहे हैं कि वह कहाँ कहाँ रहती है। हमने तो पढ़ा था कि तुम किसे पढ़ाते हो, लेकिन यहाँ तो है कि तुम किसे किसे पढ़ाते हो। यानी एक ही वर्ड दो बार आना, यानी डब्ल्यू एच वर्ड्स जो दो बार आए हुए हैं। तो जब कभी भी ये दो बार आते हैं ना, क्या क्या, कौन कौन, कब कब, क्यों क्यों, कैसे कैसे, तो ऐसे सेंटेंसेस का अनुवाद हम किस प्रकार से करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, आखिरी तक देखना, ताकि आज के बाद इस तरीके की जो भी कन्फ्यूजन हुआ करती है आपके साथ, या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ करती हैं, वो आज के बाद हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, आई गारंटी यू। तो शुरू करते हैं आज का लेसन, आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे वाले कुछ शब्दों के बारे में बता दूं। कौन कौन, अगर आपको ऐसा अर्थ व्यक्त करना हो तो आप कहोगे हु एल्स या हु ऑल। वैसे ज़्यादातर एल्स ही सूटेबल माना जाता है, लेकिन आप ऑल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कहना हो किसे किसे, या किसको किसको, या किससे किससे, तो आप कहोगे हुम एल्स या हुम ऑल। अगर आपको कहना हो क्यों क्यों, तो वाई ऑल या वाई एल्स करोगे। जब आपको कहना है कि कौन कौन सा, कौन सा, ये तो आपने देखा ही है, लेकिन कौन कौन सा, तो आप कहोगे विच ऑल या विच एल्स, है ना। किसका किसका, तो हुज एल्स या हुज ऑल। कब कब, व्हेन ऑल या व्हेन एल्स। कहाँ कहाँ, वेयर ऑल या वेयर एल्स। तो आप क्या देख रहे हो कि ये सभी के सभी वर्ड्स तो आपको पहले से ही पता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, होम, हुज, ये सब के सब डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, जिनको इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं, जिनको फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं, है ना। इनके बहुत सारे नाम हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। तो मैं इसको ज़्यादातर डब्ल्यू एच वर्ड्स कहता हूँ, इसलिए क्योंकि डब्ल्यू एच से इनकी शुरुआत हुई रहती है, बस हाउ को छोड़कर, और ये प्रश्न बनाने का कार्य करते हैं, ये प्रश्न को क्रिएट करने का फंक्शन करते हैं, सो इनका नाम दिया गया डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो आपने देखा कि बस आपको एल्स लगा देना है या ए डबल एल का यूज़ कर देना है, आपका वो जो वर्ड है वो दो बार हो जाएगा। अब कैसे सेंटेंसेस देखते हैं, यहाँ पर मैंने तीन सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन तीनों को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन, आपकी ये डाउट, आपका ये सस्पेंशन हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि तुम क्या क्या पढ़ते हो, तो सबसे पहली चीज़ कि भाई आपको टेंस पहचाना होगा कि किस टेंस में है ये सेंटेंस। तो आप हिंदी क्रिया देख रहे हो ते हो, और आपको पढ़ाया जा चुका है कि ता है, ती है, ते हैं वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। इनके अफर्मेटिव में हम V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जैसे ही WH नेगेटिव या इंटरोगेटिव की हम बात करें तो उनमें हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं, और तब जाकर वैसे सेंटेंसेस का अनुवाद करते हैं। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसको हम इस प्रकार बनाएंगे, तुम क्या क्या पढ़ते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें जो डब्ल्यू एच वर्ड्स है वो है क्या क्या, और क्या क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे वॉट एल्स या फिर वॉट ऑल। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि या तो आप ऑल लगाओगे या एल्स लगाओगे, ठीक। मैंने दोनों लगा दिया है, ठीक है, एक में वॉट एल्स कर दिया है, दूसरे में वॉट ऑल कर दिया, बात एक ही है। अब ये ताहे तीहे तेहे का सेंटेंस है, तो आप डूडज लगाकर बनाओगे, क्योंकि नेगेटिव से डब्ल्यू एच नेगेटिव में V1 V5 सिर्फ नहीं आता, बल्कि डूडज के साथ V1 आती है। तो अब तुम के अकॉर्डिंग, तुम के साथ डू लगता है, आपने पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पर डू का इस्तेमाल कर दोगे। देखो मैंने दोनों में डू का इस्तेमाल कर दिया है। अब सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने यू का इस्तेमाल कर दिया है, और फिर ता ते ती वाला वर्ड जो होता है वो ही हमारी वर्ब होती है, तो हम पढ़ने की इंग्लिश रीड लिख दी है हमने। ओके, फिर से एक बार, तुम क्या क्या पढ़ते हो, वॉट एल्स डू यू रीड या वॉट ऑल डू यू रीड। वह क्या क्या खाती है, वॉट एल्स या वॉट ऑल डज शी इट। तुम कहाँ कहाँ रहते हो, वेयर एल्स या वेयर ऑल डू यू लिव। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम दूसरे वाले की बात करें, वह कब कब खाना बनाती है। फिर से यहाँ पर हमने देखा कब
कब, यानी एक ही वर्ड का रिपीटेशन हुआ है, यानी एक ही वर्ड दो बार आया हुआ है। तो फिर कब की इंग्लिश क्या होती है, वेन होती है, जानते हो आप। तो फिर इसके बाद एल्स लगा दो या ऑल लगा दो। तो हमने कब कब के लिए वेन एल्स या वेन ऑल कर दिया। ओके, अब हम फिर से टेंस को पहचानेंगे कि किस टेंस में है ये वाक्य। ओके, अपनी मर्जी से आप हेल्पिंग वर्ब नहीं दे सकते हो, आपको पहचानना होगा कि सेंटेंस जो है हमारा वो किस टेंस में है। तो यहाँ पर फिर हमने देखा ती है, यानी ता है, ती है, ते हैं वाले सेंटेंस फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, और नेगेटिव से डब्ल्यू एच नेगेटिव तक वाले में डूडज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा डब्ल्यू एच का सेंटेंस है, सो हम डूडज का इस्तेमाल करेंगे। तो किसके अनुसार करेंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज में से किसी एक को हम रखेंगे। तो वह के साथ क्या लगता है, डज लगता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमने डज को रख दिया दोनों में। ओके, अब सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि इसमें तुम के लिए हमने यू लिखा था, तो इसमें वह के लिए हम शी कर देते हैं। तो हमने ही क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन की बात हो रही है कि खाना बनाती है, यानी बनाती है का मतलब है कोई स्त्री बनाती है, कोई महिला बनाती है या कोई फीमेल बनाती है। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब बचता है खाना बनाना। तो खाना बनाने की इंग्लिश कुक फूड होती है, या मेक फूड होती है, या प्रिपेयर फूड होती है, या सिर्फ कुक भी आप कर सकते हो। इन तीनों चारों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। अब हम सबसे अंतिम सेंटेंस की बात करें तो ये है कि आप कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं। देखिए, कहाँ कहाँ, यानी रिपीटेशन हुआ। तो कहाँ कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश तो वेयर होती ही है। ओके, तो हमने वेयर लिख दिया है, और एल्स लगाना पड़ेगा या ऑल लगाना पड़ेगा। तो हमने वेयर एल्स या वेयर ऑल कर दिया है, किसके लिए, कहाँ कहाँ के लिए। अब इस सेंटेंस की हिंदी क्रिया को देखकर पहचानेंगे कि ये किस टेंस में है। तो हमने देखा कि इसमें हिंदी क्रिया है रहे हैं, यानी रहा है, रही है, रहे हैं। और ये जो रहा है, रही है, रहे हैं वाले सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं, जिनका अनुवाद हम एमईजार प्लस V4 से करते हैं। ओके, तो अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब आई हैं, एम भी, इज भी और आर भी। तो इन तीनों में से किसका चयन करें, किसका सिलेक्शन करें, ये हमारा सबसे पहला वर्ड बताता है कि भाई मेरे साथ क्या आएगा। तो आप, आपकी इंग्लिश यू होती है और यू के साथ आर लगता है, आप सबको पता ही होगा। तो हमने यहाँ पर आर दे दिया है। फिर सब्जेक्ट आप है, आपके लिए हमने यू दे दिया है। और बचते हैं पढ़ा रहे, तो टीचिंग हमने कर दिया है। खेल रहे, तो प्लेइंग। जा रहे, गोइंग। आ रहे, कमिंग। इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो आपको जब कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड्स का रिपीटेशन मिले, यानी वो दो बार मिले, तो आप उन शब्दों को लिखकर या तो एल्स लगा दोगे या ऑल लगा दोगे। तब आप सेंटेंसेस की हिंदी क्रियाओं के अंत में जाकर के देखोगे कि ये एमईजार प्लस V3 का है, एमईजार प्लस V4 का है, डूडज प्लस V1 का है, है ना, या शुड प्लस V1 का है। ये आपकी हिंदी क्रिया पर निर्भर करता है या उसके सेंस पर निर्भर करता है। इस प्रकार से आप ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से बना लोगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलना कि ये सेंटेंसेज वाकई में आपको कितने अच्छे लगे, या आज के बाद से अगर ऐसे सेंटेंसेज आपको फेस करने पड़े, यानी फेस करने पड़े, या आपको ऐसे सेंटेंसेज का अनुवाद करना पड़े, तो आप आसानी से कर पाओगे या नहीं। इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो क्या है दिक्कत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हो सकता है मैं दूसरी वीडियो बनाऊं इसी टाइप की, और उसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन है या थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स आपके अंदर रह गई हैं उनको मैं रिमूव करने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर आप मुझे कॉमेंट में ये चीज़ बताते हो तो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी एजुकेशनल, कुछ और भी एजुकेटिव और कुछ और भी इम्प्रेसिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, एंड आप सबको मेरा हैव अ गुड डे है, हैव अ नाइस डे।